हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ हैं, और मैं हूं फैसल हरल। और जवेरिया, रमजान, अफतारी, खाने पीने, फूड स्ट्रीट। रमजान चल रहा है और रमजान में भाई होती हैं इफ्तारियां और सहरियां, पकोड़े, समोसे, जलेबियां। लेकिन आज अच्छा, बड़े बड़े स्टाइल से कहा है, पकोड़े, समोसे, जलेबियां। तो मुझे वो तीनों सुन के जो है ना, मुझे फील होने लग गया यार, मतलब कि यार कहीं निकल जाना चाहिए। चलो, और नहीं तो मोहम्मद अली रोड पे चले जाते हैं। अभी तो हम कहीं नहीं जा सकते, अभी तो टाइम है रोजा खुलने में, और हमने अपने ऊपर कर लिया है, और ज्यादा कहते हैं ना, जुल्म कर लिया हमने ऊपर, कि हम कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं ये इफ्तारी वाला के सारा मोहम्मद अली रोड पे मुंबई में क्या हो रहा है। और ये जो आपने वर्ड बोला है ना, मोहम्मद अली रोड मुंबई, ये बहुत फेमस है, बॉलीवुड मूवीज में आता है, बहुत सारी जगह पे आता है। दो तीन चीजें स्पेशल है। एक तो स्ट्रीट फूड मेन, फिर मोहम्मद अली रोड, फिर मुंबई, फिर इंडिया, फिर रमजान। मुंबई का बड़ा बहुत गेम है मुंबई की। मैं कहती हूँ कि मुंबई हर किसी को, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं ना, एक तो हॉलीवुड का सबको पता होता है, हॉलीवुड जगह का, और एक पता होता है मुंबई का। नहीं नहीं नहीं, हॉलीवुड इट्स अ प्लेस, एक जगह। अच्छा। है आपको नहीं पता हॉलीवुड एक जगह है यार? वो भी देखेंगे, जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। हॉलीवुड एक तो वो, अच्छा, हॉलीवुड एक जगह, मैं तो इंडस्ट्री समझ बैठा था। नहीं नहीं, इंडस्ट्री तो है ही, हॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, लेकिन हॉलीवुड एक जगह भी है जहाँ पे मोस्टली काम होता है। जैसे मुंबई को हम कहते हैं ना कि मुंबई जैसे बॉलीवुड का घर है, तो वो हॉलीवुड का घर है, इस तरह से है। अच्छा, अब मुंबई को देखते हैं। और अच्छा, एज अ पाकिस्तानी हमने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अफतारियां देखी हैं, बाजार देखे हैं, हमने काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया है पाकिस्तान। लेकिन भाई, अब हम देखने लगे हैं भारत के मुंबई में, इंडिया का मुंबई में मोहम्मद अली रोड पे क्या होता है, क्या रौनकें लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो चैनल है वो है ग्लोबल सेंटर, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनके जाके व्लॉग्स भी देखें, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, बड़े डिटेलिंग बनाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो चैनल होगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाएं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को कर लेते हैं शुरू। और एक और चीज भी है कि ये वीडियो जो है वो काफी लेंथी होने जा रही है, तो हम बहुत सारी बातें जो है ना वो आपसे एंड में ही बात करेंगे, क्योंकि वो बार बार वीडियो को रोक के बात करना भी, जो हमारी ऑडियंस है वो कह रहे थे कि पहले आप जो है ना वीडियो को पूरा देखा करें और फिर एंड पे हमारे साथ बातें किया करें, फिर हम डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। तो वीडियो लेकिन बीच बीच में हम कुछ ना कुछ आई कुछ ना कुछ जो है हमारा माइंड में आएगा, हम बोलते रहेंगे। क्या हाल है आप सबके? फ्रूट रखे हुए। क्या ये सिर्फ रमजान में ही बनता है? पूछने पर पता चला कि रमजान के बगैर अगर आप लाखों रुपए भी देंगे तब भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ रमजान में बनता है। जैसे पप्पू जूस वाला बनाता है, आलू है, मसाला है, पालक कबाब है, दिलखुश कबाब, दिलखुश कबाब। यहाँ पापे का रिवाज ही नहीं। आखिर आप जायकों का कितना नशा बर्दाश्त कर सकते हैं? बड़ी बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा। ओ लाइटिंग, ये स्पॉन्सर्ड है। एलईडी पैन। ग्लोबल सेंटर पर रमजान सीरीज 2024 जारी है। दिल्ली से शुरुआत हुई, हम लखनऊ गए, लखनऊ में सहरी और इफ्तार आपको दिखाई, अब रिवायत के मुताबिक दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से मुंबई नहीं छोड़ा जाता। ये लगातार तीसरा साल है कि हम मुंबई में इस मोहम्मद अली रोड को आपको दिखाते हैं। इतना हैवी बाजार इफ्तार को लेकर अभी तक तो मैंने कहीं नहीं देखा, मैं दावा नहीं करता, हो सकता हो, लेकिन ये बाजार ऐसा है कि इसके अंदर कशिश है, और वो कशिश हमें हर साल यहाँ खींचती है। अब ये रिवायत बन गई है कि हम कोई भी शहर जोड़ लेते हैं, लेकिन ग्लोबल सेंटर के रमजान में मोहम्मद अली रोड जरूर शामिल रहता है। देर नहीं करते हैं, शाम का वक्त है, सब अपनी अपनी दुकानें सजा चुके हैं, सब अपना अपना सौदा बेचने के लिए बेचैन है, लोग खरीदने के लिए बेचैन है, यहाँ भीड़ है, रश है,
रोजे की जल्दी है, सौदा खरीदने और बेचने की बेचैनी है। तो शुरू करते हैं रमजान सीरीज 2024 मोहम्मद अली रोड मुंबई। कौन सी क्लास में हो? एग्जाम हो गए? तो भाई यहाँ क्या कर रहे हो? बेच रहे, मजबूरी है। अबे मान जाओ, तुम पूरे एक्टर हो। ये एक्टर है बहुत बड़ा एक्टर। रमजान आते ही रातों रात इस बाजार का हुलिया बदल जाता है, जगह तंग हो जाती है, अंदर की दुकानें बाहर आ जाती हैं, लोगों का मामूल बदल जाता है, स्पीड बदल जाती है, और यूं ये मोहम्मद अली रोड अफ्तार का सबसे बड़ा बाजार बन जाता है। समोसे बेच रहे हैं? डांट क्यों रहे हैं? कौन टीमे के हैं? कितने का एक देते हैं? छोटे छोटे बीस के छह, दस के तीन खजूर है। ये क्या क्या पकौड़े बेच रहे हो भाई? 40 का एक मिलता है। कभी खा कर नहीं देखा। अच्छा यहाँ पे फ्रूट्स भी कटे हुए करते हैं। और ये शुरुआत है इसके बिल्कुल सामने मशहूर सुलेमान उस्मान मिठाई वाला की दुकान है। ये यहाँ का एक लैंडमार्क है। इस लैंडमार्क पे एक बार अंदर तक कैमरा लेके फिर बाहर निकलते हैं। इनके भी प्रोडक्ट्स रमजान में बदल जाते हैं। अफलातून मशहूर है और वो अफलातून बड़ा अफलातून होता है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जनाब? वो अफलातून बड़ा अफलातून होता है जिसने अपने आप को मनवा रखा है। फिलहाल हम अफतारी की तरफ चलेंगे। यहाँ रंग बिरंगी मिठाइयाँ होती हैं। राबिया मालपुआ जो है ये यहाँ की एक खास डिश है। हालांकि आज तक देखा ना खाने की वजह ये, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ना खाने की वजह यही है, इसमें ढेर सारा अंडा होता है और हम अंडे से वंचित रहते हैं, हमने आज तक खाया नहीं है। ये बताइए मीठा होता है, फीका होता है, कैसा होता है? मीठा होता है। अच्छा सिर्फ रमज़ान में ही बनता है? देखिए कितने ढेर सारे अंडे तोड़े जा रहे हैं इसके। क्या ये सिर्फ रमज़ान में ही बनता है? पूछने पर पता चला कि रमज़ान के बगैर अगर आप लाखों रुपये भी देंगे तब भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ रमज़ान में बनता है। अच्छा जी, सुलेमान उस्मान के बाद आ जाती है उसके बिल्कुल बराबर में ये मॉडर्न कन्फेक्शनरी। ये भी काफ़ी कुछ चीज़ें बनाते हैं। करीब जाते हैं, इनके सामान देखते हैं। ये रमज़ान की रौनक है, ये मोहम्मद अली रोड है। बाहर इन्होंने अपने स्टॉल से मसाला है। ये रमजान में स्पेशल, ये भी रमजान का, ये रमजान का सामान, रमजान की खास चीज़ें नजर आनी शुरू हो गई हैं। यहाँ पर बहुत सारी रबड़ी है, मावा खाजा, ये मैंगो में भी बनती है, नारियल जो है इनको कपड़े पहन। ये क्या है? कोकोनट है अपना। हाँ कोकोनट कपड़े सीताफल में आएगा। अच्छा अलग अलग फ्लेवर में कोकोनट की मलाई निकाल के उसको जैसे पप्पू जूस वाला बनाता है, बहुत अलग ही होगा। चलो रोजे के बाद आके पियेंगे। थैंक यू। इसको खोलोगे फिर बनाओगे ना? बनाएंगे। अभी ये सिर्फ वाटर है, अभी नॉर्मल कोकोनट है। हाँ अगर इसको हम फ्रेश बनाते हैं तो ये फ्रूट नेटिंग है। इन्होंने कुछ नया सिस्टम शुरू किया है, नारियल के अंदर फ्लेवर्स बनाते हैं, पानी आपको फ्री देते हैं। आगे चलते हैं, सामने की लाइन में आना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई चीज़ छूट तो नहीं रही हमसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? काम शुरू हो गया रमजान का। ये अपना चिकन क्रिस्पी है, रशियन कबाब है, ये क्या है? रशियन रोल, रशियन रोल, शाही रोल, पालक कबाब है, रशियन रोल, वहाँ पे रशियन रोल मशहूर है, यहाँ पे रशियन खुश कबाब है। बड़ा अच्छे अच्छे नाम, अच्छा ये लोग नाम रखने में एक्सपर्ट है, अपने हिसाब से नाम रख लेते चीजों के। अभी नाम और जा रही है, आगे चलते हैं। कोई किसी चीज का नाम जैसे रख दो। ये वाला चटनी कबाब है, चटनी कबाब, ग्रीन ग्रीन है, ग्रीन रुक जाएगा पुदीना और वो। अच्छा ये जो दो तीन थालों में सामान लगा हुआ है, हर थाल में अलग सामान है। वाह भाई वाह, वो आपको खा के पता लगेगा। चलिए साहब बहुत ढेर खाने हैं, वो क्या है? पालक कबाब बड़े जबरदस्त। आप खाते खाते थक जाएंगे, खिलाते खिलाते नहीं थकेंगे। बहुत सामान है, बहुत माल है, बहुत वैरायटी है और रमजान की रहमत है। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया फेमस रेस्टोरेंट से। अब फेमस से एक दुकान आगे आते हैं, जनता। ये जनता रेस्टोरेंट है साहब, यहाँ भी कमोबेश वही सारी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा चीज है, तंगड़ी। ये चिकन लेके, ये चिकन ड्रम स्टिक है, चिकन लॉलीपॉप है, ये चिकन लेके, चिकन लॉलीपॉप, ये आई थिंक पता नहीं इसको कहते होंगे। ये तंगड़ी आ गया गोल गोल करके, ये आ गया जनता का सामान जनता के लिए। क्या बात है इस बाजार की। ड्रमस्टिक टाइप की तो रोजा रखा है? क्या नाम है? मोहम्मद रहीम। मोहम्मद रहीम, चलो थैंक यू।
अच्छा जी, ये आया माशाल्लाह होटल, एक ही टाइप की चीजें हैं लेकिन क्या होता है कि थोड़ा बहुत रेसिपी अलग होती है, यहाँ पे भी वही बदल जाती है, वही चीजें हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? अच्छा जी, ग्राहक की नज़र से तो हम हमेशा देखते हैं, कभी दुकानदार की नज़र से खड़े होकर देखें कि आने वाला किस तरह दिखता है। यूँ तो मुंबई हमेशा ही दिल्ली से ज़्यादा गर्म रहती है, यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है, हब्स रहता है, लेकिन जाहिर है कि मैं दिल्ली से हूँ तो मुझे यहाँ इस मौसम में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी का एहसास हो रहा है। तो माशाल्लाह से भी थोड़ा और आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप खैरियत से? हाँ हाँ, बात हुई अभी मेरी। बहुत आपका मतलब फैन है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा जी, तो दुकान एक भी नहीं छोड़नी है, हम एक एक करके बिल्कुल कोई गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़ रहे कि आपको ऐसा लगे कि हमने किसी दुकान को स्किप किया। चूरा, हाँ बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? थैंक यू भाई। इस नूरानी मिल्क सेंटर को कैसे छोड़ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जनाब? तो यहाँ का स्पेशली दूध बहुत मशहूर है, इनका मसाला मिल्क कहलाता है, हम रोज़े के बाद इंशाल्लाह वो ज़रूर पियेंगे। आप खैरियत से हैं? जब आप मोहम्मद अली रोड पर एंटर करते हैं और चंद कदम चलते हैं इस मीनारा मस्जिद के आते ही, जैसे ही आप एंटर करेंगे और लेफ्ट हैंड पर देखेंगे तो चौक से एक लेफ्ट को रास्ता जा रहा है, यहाँ कुछ बड़े लदे फदे से कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। बहुत ही फास्ट काम होता है इस रेस्टोरेंट पे, बड़ी सारी चीज़ें बनती हैं, पैक होती हैं। ये देखिए आप, स्पीड, चिकन रोल है, मटन रोल है, बैटर रोटी है, नान सैंडविच है, चिकन सैंडविच, मटन सैंडविच, स्केयर पराठे, कितना सामान बेचते हो यार, सब बिक जाता है? सब बिक जाता है, शहरी तो कुछ नहीं बचता। जब ये हाल है यहाँ का, तो बताइए क्या ये बाजार कभी भी भूला जा सकता है? ये बाजार नहीं भूला जा सकता, हम इस रिवायत को कायम रखेंगे और हर साल एक नया शहर रमजान में जुड़ता रहेगा, लेकिन मुंबई नहीं छोड़ा जाएगा, ये बात तय हो चुकी है। अब इधर राइट में जाएंगे जहाँ थोड़ा सा आपको रश में सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ एक बड़ी जबरदस्त चीज है, वो चीज आपको दिखाता हूँ। तो मीनारा मस्जिद के बिल्कुल बराबर में बड़े मियाँ की ये शॉप हर साल रमजान में सेटअप हो जाती है और लोगों की मोहब्बत मिलती है, यहाँ ये मोहब्बत है समेटने के लिए हर साल आ जाती है। कैसे हैं आप? इफ्तारी आज हमारी बड़े मियाँ पर होगी, आगे चलते हैं इस बाजार को, अभी हमने समझ लीजिएगा बस छुआ ही है, मजीद आगे चलते हैं। मैं हर साल इस बाजार ही के लिए ये ट्रेवल किया करता हूँ। ये रोज़ा लग रहा है, मोहम्मद अली रोड चले वो बाज़ार अच्छे कि जहाँ खरीदार को उसका सामान मिल जाए और दुकानदार का सामान बिक जाए, यही सब यहाँ होता है और बड़ी तेज़ी से होता है। आगे चलते हैं, खास गुजराती सामान, खास गुजराती मीठा, चावल से बनता है, बड़ी लोकल सी डिश है, चावल दूध और खोया, ये तीन चीज़ों से मिलाकर बनता है, ठंडा होता है, ठंडा। अच्छा जी, ये सांचे में डाल के निकालते हैं, अच्छा खीर खीर सा लग रहा है, खीर का चावल भी है, वो भी है, आज खाओगे, दूध भी है। एक पीस कितने का देते हैं? 30 रुपए का मलाई वाला या मलाई मावा 40 रुपए का। अच्छा, ये दो तरह के हैं, 30 रुपए 40 रुपए, बहुत सस्ता है। तो ये जो हिंदुस्तान होटल भी कुछ सामान बाहर रख कर बेचते हैं, इनकी अपनी स्पेशलिटीज हैं। आपका छोटा कबाब बड़ा मशहूर है, हिंदुस्तान होटल का छोटा कबाब बहुत मशहूर है, ये यूँ कहिए कि कीमे की गोलियां हैं हमारे हिसाब से, जिसको यहाँ छोटा कबाब कहते हैं, मतलब ये पकौड़ी की तरह है, ग्रेवी वेवी कुछ नहीं है, ग्रेवी नहीं, उसका साथ में पाव आते, लंबे पाव, अच्छा लंबे पाव है, अच्छा बेकरी में मिलते हैं और पाव और कबाब उसमें रखे हैं। अरे यार, 100 साल से रमजान के अलावा भी होता है। आज अगर मौका मिला तो अफ्तारी के बाद हिंदुस्तान होटल के ये अल मशहूर छोटे कबाब ट्राई करेंगे, यहाँ पे इसको कबाब कहते हैं, इसको कीमे की गोलियाँ कहते हैं। हम अंदर की तरफ आ गए, हमें वापस बाहर जाना चाहिए। तुम बड़ी छेड़खानियाँ कर रहे हो, बताओ क्या क्या बेच रहे हो तुम? बहुत कुछ बेचते हैं सर, बहुत कुछ बेचते हो, बताओ मुझे। कटले से, मटन कटले से, तो सब बेचते हैं, ये कांडी गोश है, ये भी कांडी गोश है, अंडे में प्रिंस शावरमा है। चलिए साहब, पिछले साल खुला है ना, मैं आया था। अच्छा जी, तो और आगे बढ़ते हैं साहब, मीनारा स्वीट्स, नया नाम मुझे लग रहा है इसी बार, बुरहानपुर स्पेशल मावा जलेबी, ये है साहब वो मावा जलेबी, स्पेशल क्या है? 1700 रुपए तक का माल, स्पेशल 1700 में क्या डालते हो भाई?
मावा जलेबी की नब्ज़ थोड़ा सा करीब से जाकर देखते हैं। ये वो वाली ऑरेंज अच्छी लगी। ये हमारी नॉर्मल जलेबी के साथ ही ये खतरनाक वाली मावा जलेबी स्पेशल बनाते हैं। जब भी मैं कहता हूँ मावा जलेबी, ये कहते हैं स्पेशल मावा जलेबी का। ये इसके बिल्कुल बराबर में हमारी वो पुरानी टीम खड़ी हुई है जो देखो तुम्हारे शरबत पी रहा है। पढ़ाई पढ़ाई तो चल रही है। कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास। एग्जाम हो गए? नहीं चालू है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? बेच रहे हैं, मजबूरी है। अबे मान जाओ, तुम पूरे एक्टर हो। एक्टर है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा एक्टर है। हाँ बहुत बड़ा एक्टर है, बढ़िया लड़का है। चलो थैंक यू। क्योंकि हमने सोचा है हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, हिंदुस्तान जूस कॉर्नर। भाई वाह, एक ही तरह के ये सारे स्नैक्स यहाँ मिलते हैं, ताज़े ताज़े बनते हैं और ताज़े ताज़े बिक जाते हैं। होटल साहिल, अमीर खान बेकरी। अस्सलाम वालेकुम। अमीर खान, हाजिर हो सकता हूँ? अच्छा, तो ये अमीर खान बेकरी पे, हालांकि इस बाजार में हम तीसरी साल आ रहे हैं लगातार, लेकिन इस बेकरी में हम पहली बार अपना कैमरा लेकर आ रहे हैं। बेकरी का मुंबई के खाने पीने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें पाव से खाई जाती हैं और ये पाव बनाते हैं। यहाँ रोटी कम और पाव का चलन ज़्यादा है। मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, हमारे दिल्ली की बेकरी में तो रस्क बनते हैं, पापे बनते हैं। आपके यहाँ मैं देखता हूँ अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के पाव बनते हैं। पाव बनते हैं, इसकी वजह पापे नहीं खाते यहाँ? नहीं, यहाँ पापे का रिवाज ही नहीं। पापे का रिवाज ही नहीं। नान लंबा पाव और शेरमाल। कितनी पुरानी है ना? ये 80 साल पुरानी है। 80 साल जी, इसी जगह हो गया? इसी जगह पे। आपके वालिद ने गालिबन शुरू, हमारे चाचा। आपको लेते लेते भी मुझे लग रहा है नस्लें पलट रही है, इनको बेचते बेचते पलट रही है। ये बड़े खूबसूरत बातें हैं। जितने भी खाने रिवायती हो जाते हैं वो कमाल हो जाते हैं। चलिए थैंक यू सो मच। जी सर, पोटैटो ट्विस्टर जो था वो हमें इस मार्केट में नजर नहीं आता था, लेकिन अभी बड़ी तेजी से ये भी यहाँ पहुंच गया है। इस कढ़ाई में तला जा रहा है, इसकी एक छोटी सी मशीन होती है, इसमें इसको घुमाते हैं और ये बन जाता है। क्या ऐसा स्नैक्स है जो मुंबई के इस मोहम्मद अली रोड पे नहीं मिलता? आसिम भाई, सांदल वाले सांदल ही बेचते हैं, और भी कोई प्रोडक्ट है? अच्छा ये है जी, वो बनाने का इसका सिस्टम। यहाँ बिल्कुल ताज़ा ताज़ा बन रहा है और ताज़ा ताज़ा आपको मिल जाएगा। वहाँ उसका मिक्स उन्होंने कर रखा है, बहुत सारे सांचों में इसको डालते हैं और उसके बाद चार चार के सेट्स होते हैं, उसको भाप में रखते हैं। ये सिर्फ भाप से ही पकता है, बिल्कुल यूनिक है साहब। रोजे में तो हर चीज़ यूनिक ही लग रही है फिलहाल। हाँ, दही बड़ों की बारी आ गई। दही बड़े जो है वो बड़े स्पेशल है। कल खाए मैंने आपका दही बड़े, बहुत मजे के थे। मतलब अफ्तारी में कोई 8-10 आइटम थी, मैंने इससे ही पेट भरा है कल। चाइनीज मील पे 300 पैसे थी। हाँ, अंदर ही खाया था मैंने चाइनीज मील पे, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप सारे साल बेचते हैं? 300 पैसे दिन का मेरा। भाई वाह, तो ये बापू भाई स्पेशल दही बड़े। भाई वाह, बापू के स्पेशल लोग सब मंगाते हैं इन दही बड़ों के साथ। इधर 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 क्या है? ट्विस्टर है, बता दो। अच्छा जी, ये इसके साथ खेल खेलना शुरू होगा और इसका आलू का ट्विस्टर बन जाएगा। खेलो साथ, खेलो। ये वहाँ शुरू हुआ, वहाँ से आलू डालो, यहाँ से ट्विस्टर निकलता है। ये बन गया साहब ट्विस्टर। तो यहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं, कपड़ों के साथ साथ ये। अच्छा जी, आ गए साहब। मिलती तो ये सारी चीजें दिखाओ, चम्मच में दिखाओ। नहीं नहीं, वो मावा जलेबी नहीं। हाँ, बहुत सारी यूनिक चीजें ऐसी माल भारी है, बहुत सरकारी है। माल भारी है, माल भारी है, बहुत सरकारी। माल पुआ नहीं मिलता देखो यहाँ तुम। लेकिन टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होगा दोनों का, इधर का और इधर का। अगले साल की ट्रेनिंग में नाम है। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ खान। आसिफ, ये मोहब्बत शरबत नहीं है, शरबत मोहब्बत। शरबत मोहब्बत है, और ये दिल्ली की आइटम है। दिल्ली के आइटम है, दिल्ली वाले ने कॉपी कर लिया। 1988 का लाइसेंस है मेरे पास, 1988 का लाइसेंस है मेरे पास शरबत मोहब्बत का। लाइसेंस मांग लिया तो लाइसेंस मांग लिया, दूंगा ना मेरी आगे मोहब्बत है शरबत के नाम से। अच्छा चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अफ्तारी के बाद अगर मौका मिला तो आपसे शरबत जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। चलिए थैंक यू। तो साहब, चाइनीज ग्रिल का ये क्रिस्पी फ्रेड चिकन भी कहते हैं, क्रिस्पी चिकन भी कहते हैं, ये वो है जिसके यहाँ बच्चे दीवाने हैं। एक एक इंसान जो है अपने काम में बहुत ही दिलजमी से लगा हुआ है। लंबी सी टेबल है, ये कुछ ना कुछ हर साल ऐसा निकालते हैं कि लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। इस बार कोई ख़ास पुलाव उन्होंने निकाला है, को किस तरह से पेश करते हैं ये हम अफ्तारी के बाद देखेंगे। आगे क्या है? चिकन सैंडविच। ये तो बहुत बड़ी ब्रेड का बना हुआ है, उसको काट के बेचते हैं। मेरे चैनल का नाम मालूम है? अरे किसी से पूछा है, गूगल कर लिया होगा तुमने? मोबाइल ही नहीं रखता हूँ, इतना तो मालूम है, सब्सक्राइब करके रखता हूँ। हाँ जी, इधर क्या चल रहा है? ये चिली पोटैटो आ गया, 60 है। ये क्या है? ये हनी वाला है भाई।
ये बड़ी सी देख जो कंधों तक भरी हुई है, इसी तरह से ये है, वहाँ से खत्म होगी तो यहाँ शुरू हो जाएगी, ये सिलसिला लगभग शहरी तक चलेगा। हम नारी और बन्ना पुलाव खाने रोजे के बाद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये भी कंप्लीट एक दुकान है, इस तरह की बहुत सारी दुकानें यहाँ लग जाती हैं, लोगों का काम चलता है। मैं यही कह रहा था कि वो बाजार अच्छे हैं जहाँ पे दुकानदार का सौदा बिक जाए और खरीदार को सामान मिल जाए। ये क्या है? एक एक पुड़िया जो आप बांध रहे हैं कितने की होती है? आगे कितना बोले? अच्छा, वैसे सबसे ज्यादा 30 की बिकती है, 25 30 रुपए की। ये चना बटाटा है और रगड़ा कहाँ है? अच्छा, बटाटा क्या? हाँ, काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है। इनके हाथ जो है लगता है कि जैसे किसी बिजली के मशीन से चल रहा है, इतनी तेज काम करते हैं। और ये उसके बाद भी यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी रहती है और लोग कहते हैं कि भैया हमें जल्दी दे दो। ढेर सारी माशाल्लाह ये अफतारी लगी हुई है, जैसे कि प्लान था कि अफतारी मैं करूँगा बड़े मियाँ पर, बड़े मियाँ के रमजान वाले काउंटर पे। तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं, इफ्तिखार साहब बैठे हैं, अशरफ भाई बैठे हैं और अफतारी तैयार है। कैमरा सेट करते हैं और अपने मालिक के हतीफे से कुछ गुफ्तगू करते हैं। एक आदमी सांदल खाते हुए पकड़ा गया। तो ये हुई अफतारी बड़े मियाँ के रेस्टोरेंट पर, बड़े मियाँ के काउंटर पर, बहुत खूब हुई। अब नमाज और उसके बाद थोड़ी देर का वक्फा, डिनर में मुलाकात होती है बन्नो। होता है जो हमारा डिनर होता है वो हमारे बहुत महबूब, बहुत ही प्यारे शहादत भाई के रेस्टोरेंट चाइनीज एंड ग्रिल पे होता है। इस वक्त सिर्फ मेरी वजह से आए हैं, इनके बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, 5 दिन से रेस्टोरेंट पे नहीं थे, मेरी वजह से आए। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। आप बैठिए, बहुत कम टाइम लूँगा आपका। तो सरवर भाई जो है शहादत भाई के छोटे भाई, रमजान के अंदर जो स्पेशल आइटम जो इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार जो स्पेशली, वो भी आपको मैं बता दूं। अभी देखिए आप यहाँ पर गुर्दा मसाला है, ये रेगुलर आइटम जी, रेगुलर आइटम के बाद में ये अपना भेजा है, सारा कुछ मटन का होता है। हाँ, मटन का। ये मटन पाया है, स्पेशल चिकन लाहौरी कोरमा। ये बड़ा खुश रंग सा लग रहा है भाई, यहाँ का पॉपुलर डिश हो चुका है चिकन लाहौरी कोरमा। बिरयानी है ये, हमारी मटन बिरयानी है। नीचे मसाला होता है जी, मसाला नीचे होता है और ऊपर फिर आलू भी होते हैं जी, आलू भी होते हैं। बम्बई बिरयानी है जी, बॉम्बे टाइप। ये पठानी चाप है, द रिब्स ऑफ गोट मटन चाप। पठानी चाप, ये नशे है भाई, नशे। अब नशे शुरू हो गए, बहुत थिक थिक सी ग्रेवी। और मुझे अब आइए कढ़ाइयों की तरफ, खाने की तरफ। ये है मटन बन्नू नल्ली पुलाव, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ये हुआ है हमारे यहाँ पर, बन्नू नल्ली पुलाव। और ये जैसे जिस चीज से हम लोग स्टार्ट किए हैं, कस्टमर का रिस्पांस और वो भी रिव्यू भी अच्छा इसके ऊपर आ रहा है। ये सेफ्रॉन में बनता है, ये जो बन्नू पुलाव है असल कशिश है वो यही है, बन्नू नली पुलाव है। इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है और लोग दीवानगी की हद तक इसको पसंद कर रहे हैं, टेबल पर पहुँचते हैं, सब चीज़ें मंगवाते हैं। जो बन्नू पुलाव है इसने इस टाइम यहाँ धूम मचा रखी है पूरे मोहम्मद अली रोड पर, कि हमारी पसंदीदा जो नहारी होती है वो आ गई है। साथ में इन्होंने दिया है, बोलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, साथ में इन्होंने दिया है ये लाहौरी चिकन कोरमा। ये कुछ खास होगा, नली मैंने अलग से मंगवाई थी, अलग आ गई है। और इनकी चिकन बिरयानी जो आज मैं पहली बार ट्राई करूँगा, आइडिया कहाँ से आया और ये क्या प्रिपरेशन है मुझे बताइए। माँ पठान थी, घर में ये बनता था, तो आज वो है ही नहीं, आज ये उनकी याद में। और घर में बनाना और होटल में बनाना आपको मालूम है कितना बहुत फर्क है, थोड़ा सा टाइम लगा, धूम मचा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा आज मैं इसको खाऊंगा वो वही होगा जो आपकी वालदा बनाया करती। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बाहर पूरे इंडिया में ये नहीं मिलेगा, ये एक दावा है, ये पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा। नली ऊपर से डाली होती है और ये बड़ा जालिम शक्ल का है यार, ये क्या कहें यार, इसका मजा ही नली। मटन में बनता है सर? मटन वो भी खास गोश्त लेके। अच्छा, उसकी एक बोटी भी पठानी बोटी, थोड़ी सी ऊपर से नली उठाएंगे, नली का ऐसे करके और इसका हाथ इसको देंगे ऐसे करके, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये कहना चाहिए कि ये शायद बहुत पहले ले आना चाहिए था आपको, पता है ना मैं आपको, ये घर में बनती थी, ये बहुत अलग है, थे मेरी माँ तो घर में बनाती थी, मतलब आपने पहले उसको घर में रिफाइन किया है। इसके ऊपर ये नली के पीसेस जब तक आप नहीं लेंगे मज़ा नहीं आएगा। नली का ही साथ में मटन की नली, मटन का बन्नू नली पुलाव, मोहम्मद अली रोड, चाइनीज एंड ग्रिल,
और शहादत भाई अपनी चोट के बावजूद हमारे साथ बैठे हुए हैं। इसकी रिचनेस की मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता, ये इस कदर रिच फील हो रहा है, बगैर नली के भी खाकर देखता हूँ, बिल्कुल नली के बगैर लेंगे। अच्छा, घर में भी नली के साथ ही खाया जाता है? हाँ हाँ, जैसा है वैसा ही। अल्लाह, आप इसके अंदर गोश्त का भी देख सकते हैं, अच्छा बड़ा बहुत रिच है। और गोश्त आप ऐसा है कि आप होंठों से खा लीजिए, एक निवाला और उसके बाद हम चलेंगे इनके लाहौरी चिकन कोरमा। लाहौरी कोरमा, बिस्मिल्लाह, ये कमाल है, लाहौरी कोरमा उदार है, लाहौरी कोरमा। अच्छा जी, ये जो लाहौरी कोरमा है ये बड़ा उठो चले, बड़ी कोई आइकॉनिक सी डिश लग रही है, बहुत खुश रंग है, खुशबूदार है यार। बिरयानी पड़ी है, लाहौरी कोरमा पड़ा है, नली पुलाव पड़ा है, म्यारी भी फराहम करते हैं। जबान से कहते हैं कि अपने सेंसर्स का इस्तेमाल करो और हमें बताओ इसका जायका कैसा। ये नॉर्मल कलर से अलग है। पहले ग्रेवी लेते हैं थोड़ी सी, ग्रेवी के बाद हम लेंगे ये तंगड़ी जो है, जिस चिकन की है वो बड़ा सेहतमंद था। वाह, इसके ग्रेवी में बहुत कुछ डाला हुआ है आपने, काजू का पेस्ट यार, बातें भी जो है ना, बातें भी मजे, उसका ही मजा आता है। इशारे में टूट जाए वो चिकन अच्छा मानता हूँ मैं, इशारे कोई भी गोश्त। एक भरपूर सा निवाला लेते हैं, तो ये निवाला इस कदर रिच हो चुका है कि देखने से ताल्लुक रखता है। अगर मैं अपने अंदाज से इसको डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो ये थोड़ा सा अवधि स्टाइल का है। इसके अंदर मुझे लगता है कि यखनियाँ वगैरह डाली हैं, उन्होंने दम करके इसको पकाया है, बंद करके पकाया है। वो खुशबुएं हैं, मसाले एक नॉर्मल हद तक हैं जो आपको नागवार नहीं होंगे। अच्छा, शहादत भाई साथ बैठे लेकिन खा नहीं रहे, और यकीन कीजिए कि उस वक्त इतने सख्त एक्सीडेंट से दो चार हैं कि वो फ्रैक्चर भी नहीं है लेकिन बहुत ज़बरदस्त मसल्स के अंदर जख्म है। ये आपकी मोहब्बत है, सब दुआ कीजिए कि शहादत भाई जल्दी से सेहतयाब हो जाए, इस वक्त तकलीफ में चल। दुआ की दरख्वास्त है मेरी आपसे। ये बिरयानी जो है ये आलू होगा इसमें? आलू जरूर दीजिएगा, आलू मुझे बहुत पसंद है, आलू तो होना चाहिए। आलू मैं हमेशा कहता हूँ, इसको खाली आलू ना समझें, ये बड़े जायक के लिए होता है, ये बहुत देर में बनता है यार। इन्होंने बड़ी जबरदस्त, मैंने इसीलिए कहा शहादत भाई खुद निकाल के देंगे। बोलिए, जितने आते ना जी जी वो भी ये माशाल्लाह बहुत शौक से खाते हैं आपने, और लोगों का खाना 7 बजे हो जाता है। अच्छा। हम लोग बिरयानी फिर जल्दी भी दम करते दोपहर के बाद, 7 बजे लोग खाना खा लेते। बिरयानी की भी इस डिश में से इन्होंने जान निकाल के इस प्लेट में रख दी है, आकर देखते हैं बिरयानी हाथ से खाने की चीज़ है। हाँ, ये नरम गोश्त जो है ना, 80% चावल, फिर लास्ट में और एक कलकत्ता, ये बांग्लादेश सब जगह ये बिरयानी बनती है। हाँ, भाई ये निवाला बड़ा ज़बरदस्त है, ये निवाला अपने अंदर बड़ी अहमियत रखता है। जल्दी से जबान के सुपुर्द कर देते हैं, बिस्मिल्लाह। अगर मैं ये कहूँ कि इस टेबल पे इस वक्त बन्नो पुलाव के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये बिरयानी है तो नारी नाराज़ हो जाएगी। हालांकि नारी का किसी डिश से कॉम्पिटिशन होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये बिरयानी भाई कमाल है। आलू के अंदर बड़े जायके होते हैं, इसकी शक्ल इसकी रंगत आपको बता देगी। हमारे इधर एक मेहमान भाई करके हैं, हाँ, वो सब जितने मेहमान आते हैं तो आलू और एक्स्ट्रा मांगते हैं, वो खास डाला जाता है। मैंने भी इनसे कहा था आलू जरूर होना चाहिए, आप भी जाओगे तो आप भी एक्स्ट्रा आलू भाई पसंद है। एक आलू और लूंगा इसका, ये जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं लगातार हमें। मोहब्बत ये आपको ही मोहब्बत है। तो ये एक और 24 कैरेट तो पीछे रह गया, मुझे लगता है 26 कैरेट बन गया है निवाला। निवाले होंगे तो कौन बिरयानी छोड़ेगा। निवाले के साइज मेरी बातों की तस्दीक कर रहे होंगे, ये बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगी। काश मैं एक दो दिन और रुकता, ये बिरयानी रोज एक बार तो जरूर खाता। नहीं छूट रहा यार शहादत भाई, नहीं छूट रही है, उस तो छूट ही नहीं रहा। जायकों का कितना नशा बर्दाश्त कर सकते हैं आपको पता लगेगा। एक बार ये बिरयानी जरूर ट्राई कीजिएगा, बन्नो पुलाव और ये बिरयानी। आज नारी को थोड़ा सा पीछे कर रही है लेकिन नारी अपनी जगह बना लेगी, उसको रोकते हैं नारी पे आ जाते हैं। नारी जो है ये हमें नहीं छोड़ती, हम नारी को नहीं छोड़ते, ये बात मैं कितनी बार कहूँ समझ नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, असल में ये नारी जो है यहाँ पर दिल्ली स्टाइल की बनती है। थोड़ा सा रोगन लेंगे, ये यार नहारी क्या शहादत भाई, हर चीज़ का इनसार गोश्त पे ही होता है। सही गोश्त अगर मिल गया, गोश्त के ऊपर ही उसका। हाँ, ये लिया ढेर सारा इसमें भर के, जितना भर सकूंगा भर लूंगा आज इसको मैं। और ये बना एक खूबसूरत सा, एक जालिम सा निवाला। कैमरे के करीब करके दिखाना इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगे मैं क्या कयामत चीज़ें खा रहा हूँ। इसको कहते हैं फिंगर लिकिंग, उंगलियाँ। ये हर साल मैं इस कमाल की तस्दीक करता हूँ, ये रिवायत बन गई है शहादत भाई। हम अलग अलग शहरों का रमजान हर साल दिखा रहे हैं लेकिन उसके साथ ये कॉमन रहता है मुंबई। आपकी मोहब्बत है बस, ये आप सबकी मोहब्बत में आ जाता है। कदर जालिम होंगे निवाले, ये आप अंदाजा कर लीजिएगा। क्या कहा जाए, इतने अल्फाज उठाए जाए, कल हैरान है, जबान कह रही है आज का काम मुकम्मल हुआ, मुझे कम से कम थोड़ी देर छुट्टी दे दो। इतने सेंसर का इस्तेमाल कर लिया कि जबान का सेंसर भी गर्म हो गया, उनको थोड़ी देर सेटल करने के लिए कैमरा भी बंद करते हैं। स्टार से लेके इस डिनर तक, बन्नो नली पुलाव तक और नहारी तक सारी चीज़ें मैंने पहुंचा दी, उम्मीद है सब चीज़ें आपको रिसीव हो गई होंगी। तो यहाँ मुंबई मोहम्मद अली रोड से मुझे यानी मोहम्मद याया को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत मोहम्मद अली रोड की इफ्तारी।
बस इस चीज की कमी रह गई है अभी, चले। अभी हम कैसे जा सकते हैं? समझौता एक्सप्रेस तो बंद है, समझौता एक्सप्रेस वाकई बंद है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एक एक चीज डिटेल में बताई है ना, शुरू इन्होंने वहां से किया, पकोड़े, समोसे, कबाब, पालक कबाब, वो सारी चीजें थी, और फिर ये किस तरह फूड वगैरह आते आते हैं। भाई रोजा लग गया है मुझे तो वाकई, अब कसम से रोजा लग गया, रोजे में मुझे क्या दिखा दिया है, ये गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो रोड की जो रौनक थी, जिस तरह लोग चल फिर रहे हैं, जिस तरह सजाया गया था, और जिस तरह जो है वो बिक रही है चीजें जल्दी जल्दी। अच्छा, मैं ये देख रही थी, एक और मैंने चीज नोट की कि बड़े बड़े होटल्स तो हैं, वो तो ठीक है, उन्होंने भी बाय रखा हुआ है, उनपे भी बिक रहे, लेकिन जो छोटे छोटे खड़े हुए ना, जिनके पास बस थोड़े से समोसे हैं या थोड़े से दही बल्ले हैं, लोग उनसे भी खरीद रहे हैं, उनसे भी खरीद रहे हैं। तो ये तो एक बाजार की खूबसूरती है ना, कि देखो वो छोटे जो है उनसे भी खरीद रहे हैं और बड़ों से भी। अच्छा, वो कैसी लगी थी आपको जलेबी? अच्छा, जलेबी की बात आई ना, तो काली जलेबी जो है ना, मैंने पाकिस्तान में अभी तक नहीं देखी। मावा जलेबी, मतलब के जिसका जो कलर है ना ब्लैक हो। हाँ। तो जलेबी जहाँ पे भी देखी, या व्हाइट देखी, या ऑरेंज देखी है, येलो। अच्छा, मैंने भी कभी मावा जलेबी नहीं खाई है, मैंने ऑरेंज ही खाई है, और हमें ऑरेंज की आदत है, बट मे भी हो सकता है कि मावा जलेबी ज्यादा मजे की हो। ये तो हमें हमारे देखने वाले, हमारे ऑडियंस में से कोई बता सकता है कि शायद उनमें से किसी ने ट्राई की हो। अच्छा, उसके अलावा वो जो मिल रहे थे कि वो व्हाइट कलर का जो थे, वो जो पुडिंग टाइप की थी, उसको भी आई थिंक हाँ मावा ही कहते हैं, उसको मावा कहते हैं। और वो जो था, वो जो तल रहे थे ना, वो स्वीट डिश थी मालपुरा। अच्छा, मैंने इतनी ज्यादा, मैं टिकटॉक देख रही होती हूँ ना, तो सारी जगह इंडियन फूड ही होता है, हर जगह इंडियन फूड होता है, और वो देख देख के मुझे सारे नाम पता है कि ये मालपुरा है, ये मावा है, ये है, सब मुझे आइडिया हो चुका है। इंडियन फूड और मोहम्मद अली रोड, भाई ये तो फेमस है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट्स और हैं, रोड्स हैं और स्ट्रीट्स हैं जो खाने के लिहाज से बड़ी मशहूर है, लेकिन ये कुछ अलग, लेकिन मोहम्मद अली का भी एक अलग वाइब है, बाकियों की एक अपनी वाइब है। वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ये एक ऐसी है जहाँ पे इफ्तारी से शुरू होता है और सहरी तक और वो जूस वाला होता है, कहता है हाँ ये तुम लोगों ने हमसे चुराया, वो कहता है ये मैंने किया है, ये मेरा है। थोड़ा सा मुंबई, मुझे लगता है मुंबई और दिल्ली की थोड़ी थोड़ी लगती है आपस में, एक होता है वो तो कंपटीशन तो हर का होता है ना, जैसे लाहौर और कराची, हाँ जैसे लाहौर और कराची वर्सेस, तो ऐसे मतलब के होता होगा, दिल्ली वाले कहते होंगे यार ये चीजें हमारी ज्यादा फेमस है, मुंबई वाले कहते होंगे कि ये चीजें हमारी ज्यादा है, तो वो एक टक्कर तो लगी रहती है। मुंबई का एक और भी बड़ा है कि यहाँ पे रोटी और ये सारी चीजें नहीं खाई जाती, अब यहाँ पे पाव खाया जाता है, भाजी हो या कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, छोले भटूरे तो नहीं, छोले और हर चीज ना पाव के साथ ये खाते हैं, हर चीज पाव के साथ खाते हैं, रोटी कम, रोटी नहीं खाते, तभी तो वो बेकरी वालों की तो फिर चलती होगी अच्छी खासी, तभी तो वो गया कि आप वो दिल्ली में, मे भी उनके दिल्ली में बेचारे तंदूर वाले बेचारे नहीं रोटी, देखो वो खा तो रहता है थाली वगैरह रोटी के साथ, वो भी थोड़ा बहुत साथ साथ चलता है। अच्छा, जैसे दिल्ली का था ना कि दिल्ली में ज्यादा पापे खाए जाते हैं, अच्छा रस को पापे बोल रहा था, मैंने कहा ठीक है भाई रस को पापे, हम भी बोलते हैं घर में पापे दही, पापे दही, तो यहाँ पे वो रिवाज नहीं है, यहाँ पे पाव का रिवाज है, पाव बनते हैं। और उसके अलावा जो जिस तरह मतलब के पूरी वीडियो को डिटेल में एक डोर टू डोर जो शॉप को उसने दिखाया है, सारी सारी मतलब के व्लॉग को बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया है, और एंड पे फिर जब वो इफ्तारी के बाद फिर एंड पे डिनर, और वो सारा मतलब कि मुझे जो है ना वो डेकोरेशन बड़ी पसंद आई है, और मुझे एक ना एक अलग सी वाइब आ रही है अपने अंदर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे पाकिस्तानी कहते हैं जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, यहाँ पे ये वाला व्लॉग जाके उठा के उनको हम बताते तो हैं उनको, हम उनको अच्छा हमारा बताने और दिखाने का मतलब ये होता है कि मोहब्बत बढ़े, लेकिन मुझे ये जो क्लैशेस और माइंड सेट में आए हुए होते हैं ना, इनको लगता है यार उधर के जो मुस्लिम्स हैं उनकी जिंदगी तो बड़ी जीरन है, खुश है, हाँ कितना देखा आपने कि कितना वो एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह वो मिलजुल के रह रहे हैं सारे, तो ये चीज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को दिखाएंगे बताएंगे। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही, वो खुद नहीं देख सकते, सोशल मीडिया सबके पास है, थोड़ा आप सर्च करो, आपको पता हो कि भाई वहाँ पे भी इस तरह की मार्केट्स हैं, बाजार हैं, रोड्स हैं, जहाँ पे इतनी आला अफ्तारी हो रही है, जहाँ पे वो सारे दिखा रहे थे, मस्जिद दिखा रहे थे, सारे रोड दिखा रहे थे, वो फीमेल्स जो जिन्होंने बुर्के पहने हुए थे, तो वो सारे मिलजुल के रह रहे हैं और बड़ा खूबसूरत तरीके से रह रहे हैं। लेकिन ये जितने भी क्लैशेस हैं ना दोनों साइड से, जो एक मिसकंसेप्शन है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगा, इसीलिए तो हम देखते हैं ना जरा मोहब्बत बढ़े यार, हम एक्सप्लोर करें,
हमें यहाँ पे क्यूरियोसिटी होती है कि यार इंडिया में फलानी चीज जो है वो कैसी दिखती है, फलाने वहाँ पे बाजार कैसे हैं, कैसा चल रहा है रमजान, कैसा चल रहा है, तो ये वीडियो पे काफी देख रहे अच्छा, थे। बड़ी सारी चीजें थी और भी, जैसे देखा फ्रूट जो थे वो काट काट के उन्होंने शॉपर्स में रखा था, जूस जो थे वो भी शॉपर्स में थे, दही बड़े भी शॉपर्स में थे, लाइक हाइजीन का बड़ा ख्याल रखा गया, ऐसे खुले नहीं रखे हुए, हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखा गया, जो चीज मुझे बड़ी पसंद। बहुत खूबसूरत वीडियो थी, बहुत लेवल था, दिल हमारा दिल अच्छा लग गया। अगर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, उनको जाके आप देखें, उनके बाकी व्लॉग्स वगैरह देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।